अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ मैथ्स टीचर। ओपन पेज नंबर 10। हेयर इज एक्टिविटी नंबर 3। आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ ई डिजिट एंड देन राइट द डिजिट्स। हम लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पर हर नंबर की प्लेस वैल्यू मालूम करनी है और उसको बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 1 आपके पास हुआ है तो हम 2 करेंगे। तो 2 के पास जब आए, 2 वाला जब स्टार्ट करेंगे तो हमेशा यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट की साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 4 हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू पर है? यूनिट पर है। 8 हमारे पास 10 पर है। 2 हमारे पास 100 पर है। 0 हमारे पास 1000 पर है। 7 हमारे पास 10,000 पर है। 3 हमारे पास 100,000 पर है और 4 हमारे पास मिलियन वाली प्लेस वैल्यू पर है। सो बिल्कुल ध्यान से काम करना है, सारे इसी तरह ही होंगे। सबकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट जगहों पर लिखिएगा और हमेशा यूनिट से नंबर स्टार्ट करिएगा लिखना। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4 ऑन पेज नंबर 10। राइट द वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। हम लोगों के पास यहाँ पे एक कलर डिजिट की वैल्यू है तो हम लोगों को वो लिखनी है। यहाँ पर नंबर 1 जो है, यहाँ पे कलर डिजिट 7 था तो हम लोग काउंट करेंगे कि कौन सी जगह पर है। यूनिट 10, 100, 1000, जो भी यहाँ 1000 पर है तो फिर ये 7000 हुआ। सेकंड जो है हमारे पास वो 2 नंबर जो है वो कलर्ड है तो हम लोग यहाँ पर 2 के 2 कौन सी प्लेस वैल्यू पर है? यूनिट 10 पर है। तो यहाँ पे 2 के आगे कितने नंबर्स हैं? 1 है तो 10 लगा देंगे तो ये हमारे पास आ गया 20। यहाँ नंबर 3 पर हमारे पास कलर डिजिट 3, यूनिट 10, 100, 1000 और 3 हमारे पास आया 10,000 पर। तो 3 आगे जितने नंबर्स हैं उतने 0 लगा देंगे हम। नंबर 4 के पास जो है वो 3 जो है वो कलर्ड है और उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये यूनिट ही है। तो ये सिंपल अलोन रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। सो ऑन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 एंड ओपन पेज नंबर 11। हेयर एक्सरसाइज नंबर 5, काउंट यूनिट 10, 100, 1000 एंड 100,000 एंड राइट द नंबर्स इन द न्यूमरल एंड वर्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक एबेकस दिया हुआ है। एबेकस के अंदर जो है नंबर 1 जो है आपके पास गिवन है। पहले हम यहाँ पर एबेकस, पहले बताया था आपको यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ यूनिट जो है हमारे पास पर्पल वाली बॉल है। नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग तो पर्पल वाली बॉल के अंदर बॉल्स जो हैं वो यूनिट पर हैं। कितनी बॉल्स हैं? 2, तो हम यूनिट पर 2 लिखेंगे। फिर इसी तरह 1000 पर जो है हमारे पास 4 बॉल्स हैं, 4 लिखेंगे। 100 में कोई बॉल नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 1000 में पिंक कलर की बॉल्स हैं, वहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 बॉल्स हैं। फिर 10,000 में 1 बॉल है। फिर 100,000 में भी 1 बॉल है। मिलियन में कोई कुछ नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे पास आया